यस सर, सर 16th ग्रुप शुरू करना था शायद। हाँ बेसिकली उसमें एक फॉस्फिन का प्रिपरेशन वगैरह बस वो करके हम लोग 16th ग्रुप शुरू कर देंगे। ठीक है यस अच्छा, तो आज सेक्शन भी आ गया फाइनली। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ कंपाउंड्स, जैसे कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस की बात करें हम, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन तो मैंने करा रखा आप लोगों को, ठीक है कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस करते हैं। सक्षम कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, देखिए कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस में हम सबसे पहले करेंगे फॉस्फिन। तो हम इसमें यही देखेंगे इसके इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं और फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो फॉस्फिन की बात करते हैं कि फॉस्फिन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो जब मैं आपको एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक चीज लिखा था कि बॉइलिंग एनएओएच में अगर P4 डालेंगे, ठीक है व्हाइट फॉस्फोरस, तो आपका फॉस्फिन बनता है। ठीक है उस तरीके से भी हम फॉस्फिन बना सकते हैं। अभी हमारा जो प्रिपरेशन है कैल्शियम फॉस्फाइड से बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइट नहीं क्वाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड ये डी है, ठीक है और विद वाटर, कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो अपने को मिल जाता है फॉस्फीन। ठीक है एज फॉर एग्जांपल देख सकते हैं Ca3P2 है, ये कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसको 6H2O में डालेंगे हम तो ये सीधे सीधे आपको दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। सबसे पहले तो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ये 3 कैल्शियम है तो 3 डाल देंगे और यहाँ दे देगा PH3, फॉस्फोरस 2 है तो ये बैलेंस भी हो गया। तो इस तरीके से हम फॉस्फिन बना सकते हैं। ठीक है इसके इसके बाद जो दूसरा प्रिपरेशन का तरीका है, जब भी हम व्हाइट फॉस्फोरस के NaOH में डालते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH में डालते हैं, ठीक है बॉइलिंग NaOH में, ठीक है ये पॉइंट लिखवाया था मैं उसमें, तो आपको फॉस्फिन दे देगा और फॉस्फिन के साथ दे देगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2, इसका नाम क्या है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ये फाइट है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इसे लिख लीजिए, और भी तरीके हैं फॉस्फिन बनाने का अभी बात करेंगे, पहले इसे लिख लीजिए आप लोग। सक्षम इतने दिनों से गायब थे आप। हेलो यस सक्षम, यस सर, हाँ बोलिए। हाँ सर वो क्लास में लेता। ओके डन, सक्षम आपका भी हो गया। यस सर। ओके अब देखिए नेक्स्ट तरीका देखेंगे हम लोग, ठीक है कि आप में जब भी हम PH4I ठीक है प्लस KOH करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे दे देता है आपका पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O और इसके साथ भी क्या दे देगा PH3 जिसकी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है
इसके बाद टॉपिक डाल लीजिएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, इट इज अ कलरलेस गैस। With rotten fish smell, ये याद होना चाहिए, बहुत बार पूछ देता है rotten fish smell, and is highly poisonous. It is slightly soluble in water. It is slightly soluble in water. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लीजिएगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। द सॉल्यूशन ऑफ pH 3, सॉल्यूशन ऑफ pH 3 इन वॉटर डिकम्पोजेस in presence of light, in presence of light giving red phosphorus, and etched देखिए यहाँ पे जी ये होता है आपका कॉपर सल्फेट के साथ लगा के देखिए क्या बनाता है। तो इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होगा, व्हेन एब्जॉर्ब इन कॉपर, व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड, the corresponding phosphide, the corresponding phosphides, phosphides are obtained, phosphides are obtained as for example, इसका रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग कि कॉपर सल्फेट जब pH 3 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे दे देता है कॉपर फॉस्फाइड प्लस H2SO4। ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, यहाँ पे ले सकते हैं 3 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 तो हो ही चुका है, ये 3 हो चुका है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड की बात होती है तो HgCl2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 PH3, तो यहाँ पे भी दे देगा आपका फॉस्फाइड HG3P2 और यहाँ आ जाएगा 6HCl। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है आपका ब्राउनिश ब्लैक कलर का, इसे लिख लीजिए। इसके बाद दो कंपाउंड अपने पास होगा फॉस्फोरस हैलाइड्स का, एक ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड। उसके बाद हम लोग 16th ग्रुप शुरू कर लेंगे। ठीक है अभिनव, यस ये हो जाए तो बताइएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका अमोनिया जो होता है वो वीक बेस होता है, ठीक है, और अमोनियम एक आयन देता है, वैसे ही ये जो pH 3 होता है फॉस्फिन, ये भी
एक फॉस्फोनियम आयन देगा, ठीक है, ये भी वीकली बेसिक होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉस्फीन इज वीकली बेसिक एंड लाइक अमोनिया इट गिव्स फॉस्फोनियम कंपाउंड विद एसिड। इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए PH3 है, ठीक है, एक एसिड के साथ HBr के साथ रिएक्ट किया, तो ये एक कंपाउंड बना जाएगा फॉस्फोनियम PH4Br, ये रहा, ठीक है। हो गया? Yes. चलो अब देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस हैलाइड्स की बात करेंगे। फॉस्फोरस हैलाइड्स, आप लोग 15th ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए, ठीक है, क्योंकि सारे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आगे जब ये 15th के बाद 16th शुरू होगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी पढ़ेंगे, बाकी जो चीजें सिमिलर होगा आपका 15th ग्रुप से, तो वहां रीजन देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सेम रीजन होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। जहां लगेगा मुझे रीजन देना वहां पे बता दूंगा, बाकी सेम रीजन होगा तो मैं आपको याद दिला दूंगा कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ फॉस्फोरस हैलाइड की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए फॉस्फोरस दो टाइप का हैलाइड बनाता है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ हैलाइड, फॉस्फोरस का टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स होता है, ठीक है। कौन कौन सा हैलाइड होगा आपका, एक तो PEX3 होगा और एक क्या होगा PEX5 होगा। यहाँ पे X3 में जो होगा बेसिकली X इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। और जबकि PEX5 की बात करते हैं तो X जो होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तक ही होता है, आयोडीन नहीं आता है, क्योंकि आयोडीन के आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बल्कि ग्रुप होगा तो रिपल्सन होगी, ठीक है। बाकी I5 वगैरह बनता है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, हम लोग पढ़ेंगे 17th ग्रुप में, वो अलग चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए, डन सर, वेट वेट हो गया, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PCl3 हो जाएगा। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की जब बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देख लीजिए अपने पास आ जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस P4 फॉस्फोरस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस का P4 फॉर्मूला होता है, और ड्राई क्लोरीन जब हम ऐड करते हैं इसमें तो ये 4 PCl3 बन जाता है। सबसे पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखेंगे, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विथ White phosphorus, ठीक है।
एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेंगे हम लोग, जैसे पी फोर है अपने पास, पी फोर में थायोनिल क्लोराइड SOCl2 डालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4PCl3, और इसके साथ बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा SO2 आ जाएगा, SO2 के साथ S2Cl2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो लगा देंगे, टोटल ये बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अगर आपका ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, इन्हें लिख लीजिए आप। तो अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग, तो प्रॉपर्टीज में देख लीजिए, ये भी कलरलेस होता है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लेंगे कि कलरलेस ऑयली लिक्विड, इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड hydrolyze in the presence of moisture, in the presence of moisture, hydrolyzed in the presence of moisture, ठीक है। तो इसको hydrolyzed करा के देख लेंगे हम PCl3। मैंने ये वाला रिएक्शन कराया भी था अभी ना, हाइड्रोलाइसिस याद है, तो मैंने ये बताया था कि इसमें चला जाएगा H3PO3 में चला जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यस सर, 3HCl बन जाएगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया। यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि अगर ये प्लस 3 में है, ठीक है, इन बिटवीन दिस है, तो ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ही हो सकता है, याद आया, यस सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रॉपर्टीज आएगा अपने पास, ये आ जाएगा, इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप सच एज, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, C2H5OH वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास कैसे हो जाएगा, जैसे CH3COOH रिएक्ट करेगा PCl3 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COCl, CH3COCl असाइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। आप लोगों ने ऑर्गेनिक क्लास 11th में पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप, याद है असाइल हैलाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स आता है और आर सी डबल, जैसे ये होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, असाइल हैलाइड कहते हैं इसको। अगर अल्कोहल को ऐसे ही हम करते हैं C2H5OH, ठीक है, और इसमें PCl3 डालते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये हेलो एल्केन आ जाएगा C2H5Cl, और इसके साथ क्या निकल जाएगा, H3PO3 निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कार्बन इधर आ रहा है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर PCl3 के स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, जैसे NH3 का होता है, ये पी ये Cl हो जाएगा, इधर इधर Cl हो जाएगा, इधर Cl हो जाएगा, ये PCl3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग Cl, और इसको डार्क कर दीजिए, सॉलिड वेज और डैश्ड वेज, ठीक है। गुड। अब हम बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे आएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है आपके पास, PCl5 आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, PCl5, ठीक है।
अब देखिए पीसीएल फाइव में हम सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, इसी को हम क्लोरीन से पास कराते हैं तो अपना क्या देगा, पीसीएल फाइव देगा। तो हमारे पास जो सबसे पहला तरीका हो जाएगा यही हो जाएगा आपका कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। जैसा कि मैंने बताया था कि व्हाइट फॉस्फोरस को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन, विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन, ठीक है। तो एज फॉर एग्जाम्पल इसका भी रिएक्शन लिख सकते हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पी फोर होता है, और इसके साथ हम ले लेंगे 10Cl2, तो ये सीधे सीधे आपको दे देगा 4PCl5, ठीक है। तो बन गया अपना फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ, जैसे वो किया था हमने SO2 Cl2, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ SO2 Cl2 ऑन फॉस्फोरस। तो इस रिएक्शन को अगर लिखना चाहें हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस लाइए और उसमें क्या डाल दीजिए, 10SO2Cl2 डाल दीजिए, तो सीधे सीधे ये क्या दे देगा, 4PCl5 दे देगा, और इसके साथ क्या दे देगा, 10SO2 दे देगा। तो अपने को क्या बनाना था, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, बन गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलिए इसे लिख लीजिए, ठीक है। डन सक्षम, ये वाला रिएक्शन भी लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में यही सारी चीजें लिखना है, कलरलेस वगैरह, लेकिन ये कलरलेस नहीं होता। PCl5 इज अ येलोविश व्हाइट पाउडर, येलोविश व्हाइट पाउडर एंड इन मॉइस्ट एयर ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, मॉइस्ट एयर इट हाइड्रोलाइजेस टू POCl3 एंड फाइनली कन्वर्टेड टू फॉस्फोरिक एसिड। बहुत आसान है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। तो जैसे मान लीजिए आपके पास PCl5 है, मॉइस्ट एयर है, मतलब H2O के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, आप अपने आप को सबसे पहले POCl3 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और इसके साथ 2HCl निकलेगा। फिर से ये जो POCl3 है बेसिकली आपका, ठीक है, मॉइस्ट एयर में अगर ये प्रेजेंट है अभी भी, तो ये H2O से मिलेगा और सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ H2O लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड विच इज H3PO4, और इसके साथ 3HCl भी निकल जाएगा। तो ये किस में निकल बन जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। इसे लिख लीजिए, हो गया। यस सर, वेरी गुड, सक्षम।
ये वाला जो प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट वाला, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पीसीएल फाइव को जब भी हीट करते हैं अभिनव किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अभिनव पीसीएल फाइव को अगर हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या देगा? सर ट्राई हैलाइड बन जाता है, ट्राई हैलाइड बन जाता है और सीएल टू गैस बनता है। ठीक है, मैंने इसमें ये भी बताया था कि पीसीएल फाइव में जो बॉन्ड होते हैं दो टाइप के होते हैं, इक्विटोरियल और एक्सियल होते हैं, तो उसमें से कौन बॉन्ड टूट के निकलता है? सर जो टॉप और बॉटम वाले होते हैं, उसका नाम क्या होता है? एक्सियल, एक्सियल स्ट्रॉन्गर हीटिंग। तो देखिए यहाँ बेसिकली होता क्या है, जैसे पीसीएल फाइव है आपने हीट दिया इसको, ठीक है, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ हीट दिया आपने, तो पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बता तो हम लोग लास्ट क्लास में कि ये हो जाएगा आपका सीएल, ये हो जाएगा आपका सीएल, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है ना ये, तो यहाँ से देखेंगे तो ये एक ट्राइ, ठीक है, और फिर यहाँ से देख लेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा सीएल और ये हो जाएगा सीएल। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल होता है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है, एक्सियल का बॉन्ड जो होता है वो लार्जर देन इक्विटोरियल होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब एक्सियल का बॉन्ड लार्जर है इक्विटोरियल से, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सियल वीकर होगा इक्विटोरियल से। ये सारी चीजें डिस्कस किया था हम लोगों ने, ये लिख लीजिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज में लिखेंगे इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक सीपीडीएस का मतलब कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओएच ग्रुप, कंटेनिंग ओएच ग्रुप, कन्वर्टिंग देम टू क्लोरो डेरिवेटिव्स, कन्वर्टिंग देम टू क्लोरो डेरिवेटिव्स। पहले ये लिख लीजिए और इसका रिएक्शन देखिए क्या होगा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या है OH ग्रुप है, जैसे C2H5OH अल्कोहल ले लिया, इसको हमने PCl5 से रिएक्ट कराएंगे, तो ये आपका क्लोरो डेरिवेटिव्स में करेगा, यानी C2H5 हो जाएगा और इसके साथ Cl लग जाएगा, OH हट जाएगा और इसके साथ आ जाएगा आपका POCl3 और POCl3 के साथ एक और प्रोडक्ट आ जाएगा HCl। इससे लिख लीजिए, हो गया, वेरी गुड। एक लास्ट इसका रिएक्शन लिखेंगे, कौन सा रिएक्शन? ठीक है, मेटल से ये रिएक्ट करता है, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ऑन हीटिंग विद PCl5 गिव corresponding chlorides, gives corresponding chlorides, ठीक है, as for example Ag है और इसमें PCl5 लग रहा है, तो ये क्या जाएगा AgCl plus PCl3, 2Ag PCl5 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, टिन है, टिन में PCl5 डालेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 प्लस PCl3 में। तो इस तरह से हम ट्राई क्लोराइड भी बना सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। ये आप लोग लिख लीजिए, ग्रुप 15 को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कर लीजिएगा, डेटाबेस है ये, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जितने अच्छे से कर सकते हैं करिए।
कल मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों के स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के लिए, ठीक है? जेई के कुछ क्वेश्चंस होंगे ग्रुप 15 पे बेस्ड, बस हो जाए तो बताइएगा। डन। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप 15 में हम लोगों ने बहुत सारा टाइम लगाया है, क्योंकि उसमें हमने स्ट्रक्चर वगैरह, ऑक्सी एसिड्स वगैरह, इवन हम लोग सल्फर वगैरह का भी सीखे थे, ठीक है? सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है? तो वहां पे इसलिए टाइम दिया था हमने ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? और उसमें कुछ 11th के पोर्शन भी मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे फजान्स रूल वगैरह जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट की। ये जो ग्रुप 16 है ना, जिसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इसको याद करने का जो आपको तरीका होता है, ऐसे याद कर सकते हैं, ओ सही से टी ओ, ओ सही से टी ओ। अब बात आती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैं ऐसे सीधे सीधे लिख सकता हूँ, हीलियम 2s2 2p4, ठीक है? सल्फर की बात आती है तो नियॉन लगा दूंगा, और नियॉन के साथ क्या आ जाएगा, 3s2 3p4 आ जाएगा। सेलेनियम के साथ आएगा तो नियॉन के नीचे क्या आता है, आर्गन, आर्गन, और यहाँ आ जाएगा आपका 3d10 और 4s2 4p4, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा आर्गन के नीचे क्या आता है, हे नानी आराम कर, क्रिप्टन, क्रिप्टन आएगा और यहाँ आ जाएगा 4d10 और यहाँ आ जाएगा 5s2 5p4, ठीक है? और यहाँ पे जब क्रिप्टन के बाद जेनॉन आएगा, जेनॉन लगाएंगे और यहाँ पे देखिए 4d आ गया तो 5d आएगा, 5d से पहले क्या आता है, 4f आता है कि नहीं, 6s2 6p4। देखिए भाई एकदम आसान है, ठीक है? 2 वाले में d आता नहीं है, ठीक है? ये नियॉन के बाद क्या 3s2 3p4 होता है। अब जाहिर सी बात है जब 4s की बात करेंगे तो 4s से तो क्या होता है, 4s के जस्ट बाद क्या आता है, d आता है कि नहीं, बताइए। यस सर। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। तो स्टार्टिंग के दोनों जो ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है? अगर ऑक्साइड लास्ट क्लास वाला याद हो तो आप लोगों को पता है कि सेलेनियम और टेलुरियम को मैंने किसमें डाला था, मेटलॉइड में डाला था, ठीक है? तो ये नॉन मेटल होता है दोनों, ये मेटलॉइड होता है, और इसकी बात करें तो ये टिपिकल आपका मेटल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये मेटल हो जाता है। ये पोलोनियम जो है आपका वो मेटल होता है, क्लियर है? Yes. इसे लिख लीजिए। डन। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, हम सीधे सीधे बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह की, ठीक है? तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सीजन फैमिली जो है, बेसिकली इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो लाई करता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, -2 to +6 तक जाता है। और इसमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है आपका +4 and +6 जो होता है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, जस्ट सपोज जैसे ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, ग्रुप 16 एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? चूंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो वो तो शो नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब जो होते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ड्यू टू NS2 NP4
कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ड्यू टू NH4 NP4 कॉन्फिगरेशन। और बात रही ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होता है आपका -1 भी शो करता है, -2 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। ये +1 +2 बस एक ही कंपाउंड के साथ शो कर सकता है, एक ही एलिमेंट के साथ शो कर सकता है, वो भी फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बाकी किसी के साथ भी ऑक्सीजन जाता है ना तो वो नेगेटिव में ही जाता है, क्योंकि इसके पास ज्यादा पावर होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट पी से निकालना आसान होता है, ठीक है, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और +4 में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट लिखना चाहें यहाँ पे हम लोग, तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोलोनियम का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद टेलुरियम आता है ना, तो टेलुरियम का हो जाएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद होगा आपका सेलेनियम का, और उसके बाद होगा सल्फर का, ऑक्सीजन तो शो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बेसिकली वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और वहीं पे बात करें हम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो डाउन द ग्रुप -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने बताया -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तो यहां लिख सकते हैं टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते जाता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग कि एटॉमिसिटी क्या होती है। ठीक है, ग्रुप 15 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिसिटी वो होती है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। तो बात आती है वो सही से टीपो, ठीक है, कि इसमें एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल में ढूंढना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो होता है आपका वो O2 बनाता है, और सल्फर जो होता है वो S8 बनाता है। ठीक है, सल्फर के और भी फॉर्म होते हैं, S2 भी बनाता है और S6 भी बनाता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है सबसे ज्यादा S8 होता है। सेलेनियम की बात करें तो SE8 बनाता है, और ये जो टेलुरियम होता है आपका ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है, और पोलोनियम होता है चूंकि मेटल होता है। ठीक है, मेटल है तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो मेटालिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, ये मेटालिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऑक्सीजन जो है डायटोमिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और सल्फर जो है वो ऑक्टाएटॉमिक एग्जिस्ट करता है, एज ऑक्टाएटॉमिक वाई। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड में पूछा है, ठीक है, कि आपका ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक, डायटोमिक का मतलब O2, बट सल्फर एग्जिस्ट एज ऑक्टाएटॉमिक एसिड वाई। ठीक है, मतलब ये है, इस सवाल का जवाब देंगे अभिनव आप कि ऐसा क्यों होता है।
विनो एम आई ऑडिबल टू यू? सक्षम? यस सर। इसका जवाब दे सकते हैं आप? नो। ओके अभिनव, अभिनव को तक मेरी आवाज नहीं जा। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो ऑक्सीजन O2 बनाता है तो O2 में बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। जब 15th ग्रुप मैंने पढ़ाया था तो यहाँ बताया था पीपाई बॉन्डिंग पॉसिबल होता है, और मैंने ये भी बताया था पीपाई बॉन्डिंग कहाँ होता है, वो जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है उस ऑर्बिटल में, मतलब जिस भी एलिमेंट से हो रहा है उस एलिमेंट को एटलीस्ट एक को सेकेंड पीरियड एलिमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी ओवरलैपिंग होगा 2π 2p 2p या फिर 2p 3p तभी आपका पॉसिबल होगा पीपाई बॉन्डिंग। और यहाँ पे दोनों चूंकि 2p 2p है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ये भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2p 2p आता है, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है। और मल्टीपल बॉन्ड बनने के वजह से जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो ये लेंथी चेन नहीं बनाएगा, ये यही रह जाएगा, ठीक है। जबकि एसेट जो होता है, सल्फर जो होता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पीपाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता, और सिंगल बॉन्ड बनाने की वजह से ये लेंथी चेन बना सकता है, जिसकी वजह से एसेट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसका रीजन मैंने बहुत ही अच्छे से 15th ग्रुप में लिखवाया था, ठीक है। आप वीडियो देखिएगा, अगर वहां से समझ में नहीं आया मैं दोबारा आपको करा दूंगा, ठीक है। सक्षम? यस सर। चलिए अभिनव, अभिनव हेलो। यस अभिनव, ये रीजन आपको पता चल गया? यस सर। तो यहाँ पे वही वाला रीजन है, ग्रुप 15 एलिमेंट वाला रीजन है, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी आप देखेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जबकि फास्फोरस जो होता है वो टेट्राएटॉमिक होता है, P4 होता है, ठीक है। तो सेम रीजन है, यहाँ पे वही अप्लाई करना आपको, ठीक है। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फर, ठीक है। चूंकि मैंने बताया आपसे सल्फर जो है एसेट के फॉर्म में भी होता है, S6 के भी फॉर्म में होता है, S2 के भी फॉर्म में होता है, तो यहाँ देखेंगे एसेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका क्राउन शेप का होता है। किस शेप का होता है? क्राउन शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जब क्राउन शेप का होता है तो बेसिकली यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे ताकि आसानी से बन जाए। ये रहा आपका क्राउन शेप, एक सल्फर यहाँ होगा, एक सल्फर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। सक्षम आप इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या बता सकते हैं आप इसमें? सर 16 लोन पेयर बता रहे हैं आप? सर 7। कितने? 7। क्या कर रहे हैं आप लोग? 6। ये देखिए एक सल्फर जो है वो दो बॉन्ड बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन इसका इधर निकल गया, ठीक है। यानी एक सल्फर पे जो लोन पेयर होगा वो कितना होगा? 2 होगा, होगा कि नहीं? यस। और यहाँ टोटल सल्फर है आपका 6, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे बताइए जरा? ट्वेल्व नहीं हो जाएंगे? एक पे दो लोन पेयर है सर, टोटल 8 है ना। अच्छा सॉरी, 16 हो जाएंगे, क्या दिमाग में चल रहा? टोटल 8 लोन पेयर, अच्छा वो S6 चल रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। टोटल 8 लोन पेयर है तो कितने हो जाएंगे? 16 लोन पेयर हो जाएंगे। Yes. एक पे दो लोन पेयर है तो 16 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 आएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 2 है। इसका चेक करिए, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 4, तो sp3 हो जाएगा। सक्षम हो जाएगा? यस सर। ठीक है,
तो ये था आपका एसेट। अब बात करते हैं हम एस सिक्स की जब बात करते हैं तो इसका भी इसका स्ट्रक्चर भी साइक्लिक होता है। कैसा होता है? साइक्लिक होता है और ये चेयर फॉर्म में होता है। क्या होता है? ये चेयर फॉर्म में होता है, ठीक है। चेयर फॉर्म बनाना है तो बहुत ही आसान है, ये सीधे ऐसे करिए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा और टिल्ट कर देते हैं ताकि इजीली बन जाए। ये ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, फिर इसको ऐसे करिए, यहाँ ऐसे करिए और इन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जहां जहां कॉर्नर और ये दिख रहा है एस 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 लगा दीजिए, सिक्स हो गया। लोन पेयर यहाँ 12 हो जाएगा, बॉन्ड पेयर यहाँ पे भी sp3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? और ये जो S2 होता है बेसिकली ये वेपर फेज में होता है। क्या होता है? ये वेपर फेज में होता है, ठीक है। और ये O2 की तरीके का होता है, तो ये S2 जो होता है बेसिकली आपका ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक होता है। दोनों लोगों का हो गया? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बात आती है सल्फर वगैरह की, बात हो जाती है तो अपने पास आता है सल्फर जो होता है बेसिकली, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, सल्फर इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब समझते हैं ना आप लोग? इन वेपर फेज। सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर फेज। तो यहाँ पे सल्फर जो होता है इसका रीजन पूछता है कि क्यों ऐसा होता है। तो सल्फर एग्जिस्ट एज S2 इन वेपर फेज एंड विच कंटेंस, ये एंड नहीं लिखेगा, विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक O2। इस वजह से ये क्या होता है आपका? पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो जाता है आपका? पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जिसमें क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो जो आपका फिजिकल स्टेट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और उसके बाद क्या आएगा? पोलोनियम आएगा। तो बेसिकली ये जो जैसे नाइट्रोजन में होता है वो पहला वाला गैस होता है, वैसे ये सारे ये गैस होता है, बाकी के सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसे लिख लीजिए आप लोग। डन, वेरी गुड, आपका हो गया अभिनव। यस, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे अपने पास बात आ गया फिजिकल स्टेट की, ठीक है। यहाँ पे ये भी सवाल पूछता है कि ऑक्सीजन, ये सवाल सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर जगह यहाँ पे रीजन पूछने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी पूछता आपका, ऑक्सीजन इज गैस बट सल्फर इज सॉलिड। तो वहां पे भी एक सवाल मैंने पूछा था आपसे अभिनव, याद हो? तो नाइट्रोजन जो होता है गैस होता है बट फॉस्फोरस सॉलिड होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये वाला रीजन भी आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। नेटवर्क सॉलिड बनाता है जिसकी वजह से ये सॉलिड नेटवर्क बनाता है, तो जिसकी वजह से ये सॉलिड होता है और उसमें नेटवर्क नहीं होता, इस वजह से क्या होता है? वो गैस होता है। तो सेम रीजन होंगे। सक्षम, आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा है घर पे पी ब्लॉक वाला? नहीं सर, अभी। तो वो इस वीक पूरा कंप्लीट करिए, तभी 16th ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए स्लाइड चेंज करो। अब बात करते हैं हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फ्रॉम
इटसेल्फ और फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन और सल्फर में हम पूछेंगे किस किस में ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी, बताइए जरा। सल्फर। सल्फर क्यों? अभी नो सर, ऑक्सीजन में लोन पर रिपेल करेगा। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से अगर ये और ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा जिसके वजह से ये कम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम शो करेगा। और ये साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है तो ये इजिली शो कर लेता है कैटिनेशन मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो सल्फर का ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग, सल्फर शोज मोर कैटिनेशन टेंडेंसी देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आप लोगों को खुद ही इसको अरेंज करना है, ओ सही से टी पो को अरेंज करिए, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके भेजिए। सबसे ज्यादा ओ का होगा, सबसे कम पी ओ का होगा। ओ का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, अभिनव ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्शन जिसमें आप एब्सेंट हुए हैं, प्लीज वीडियोस जितना जल्दी हो सके देखें ताकि हम कवर अप कर पाए, ठीक है। ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट। हाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो होना कुछ ऐसा चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, देखिए सक्षम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब बात यह है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, जरा सा चेंज होता है इसमें, वो चेंज क्या होता है तो फोकस करिएगा आप, सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा टेलुरियम का, फिर होगा पोलोनियम का, उसके बाद सेलेनियम का, फिर सल्फर का और फिर ऑक्सीजन का, ये इधर रहता है और ये इधर रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो टेलुरियम होता है ना ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है जिसकी वजह से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये किस में होता है आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, इसलिए ये पोलोनियम से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्लियर है? पॉलीमेरिक फॉर्म में होने की वजह से वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होता है, और जितना ज्यादा है वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, बात समझ में आई? यस यस सर। इसे लिख लीजिए आप लोग, हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात क्या आता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करते हैं, इन दोनों में नाइट्रोजन और फास्फोरस में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अभी नो, नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पूछता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्यों? अभी नो आंसर बताइए।
अभिनव आप बता सकते हैं, सक्षम सर? देखिए यहाँ पे होता क्या है, नाइट्रोजन जो होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनाता है, फास्फोरस जो होता है ये पी फोर टाइप बनाता है, तो ये नेटवर्क सॉलिड बनाता है जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है एज कम्पेयर टू दिस। इसी वजह से इसका भी रीजन मैंने 15th ग्रुप में बहुत अच्छे से लिखवाया था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में हाई बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्यों है? तो वो इसी वजह से है कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, डायटोमिक होता है, और सल्फर जो होता है वो क्या होता है, ऑक्टाएटॉमिक होता है। बात समझ में आई? यस। आप बोल क्यों नहीं रहे मैं सवाल पूछ रहा हूं तो? अभिनव गायब हो जा रहे हैं सर, मुझे लग रहा था पीपाई वाला रीजन होगा। नहीं, पीपाई ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है वो, तो रीजन तो वही है ना, एक तरीके से रीजन तो वही है ना, पीपाई पीपाई होता है तो वहां मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, अगर वहां भी पॉसिबल नहीं होता तो वो भी सिंगल बॉन्ड बनाता, इनडायरेक्टली रीजन तो वो भी है ना। यस सर। हाँ, लेकिन मैंने जो बोर्ड लेवल के लिए अलग लिखवाया था और कंपटीशन के लिए समझने के लिए अलग चीजें लिखवाया था, तो उन सब पे फोकस करिएगा, रीजन आपको ऑथेंटिक देना है, नहीं तो इधर उधर रीजन थोड़ा सा करेंगे आप तो गलत हो जाएगा, नंबर काट लेते हैं, मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है? यस। सक्षम हो गया? डन। चलो स्लाइड चेंज करूं? यस। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो अब किसकी बात होगी, मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे वो सही से टीपो, ठीक है? टीपो तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है सेम रीजन होता है, सेम होता है आपका कि सबसे ज्यादा होता है ओ सल्फर सेलेनियम, उसके बाद पोलोनियम आ जाएगा और टेलीरियम, सेम रीजन। यहाँ पॉलीमेरिक फॉर्म ज्यादा होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है जिसकी वजह से इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। हो जाए तो बताइएगा। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है, एक नया टॉपिक आएगा जो क्लास 11th के थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पता आप लोगों को क्या होता है? बहुत ही बेसिक से लेके चलूंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है? अगर 11th से भी सवाल पूछता है तो इजिली हो जाए। तो सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली यही है कि कभी भी हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर किसी भी एलिमेंट को गैसियस स्टेट में ले जाते हैं, आइसोलेट करते हैं उसको और उसमें एनर्जी देते हैं और उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है? और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें पता है प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है? तो ये आईई वन कहलाएगा। ए पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला आपने तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर आपने निकाला, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर आपने निकाला तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है? क्लियर है? यस। चलिए इससे लिखिए, उसके बाद फैक्टर्स देखेंगे किस किस पे डिपेंड कर रहा है। सर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में लगी है? नहीं, अभी देखेंगे हम किसमें लग रहा है किसमें नहीं लग रहा है। मैं बेस से मतलब पूरे पीरियड का करा दूंगा, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड सबका। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? यस यस। स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स ऑन विच
आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, एकदम बेसिक आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, एकदम ही बेस से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये चीजें इलेवेंथ में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो पहला फैक्टर यही हो जाता है आपका कि साइज ऑफ एटम पर डिपेंड करता है। एक बात बताइए, साइज अगर बड़ा होगा एटम का तो इलेक्ट्रॉन निकालना आउटर मोस्ट सेल से आसान होगा या टफ होगा, इजी होगा या टफ होगा? इजी होगा। इजी होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम होगा कि नहीं? यस, ठीक, वेरी गुड। बी देखते हैं, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो साइज जो होगा वो छोटा होगा या कम है, छोटा होगा या बड़ा होगा? Na प्लस, Mg प्लस टू, Al प्लस थ्री। जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो इसमें छोटा कौन होगा? जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, मतलब वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया करेगा तो उसका साइज तो डिक्रीज ही होगा ना? यस yes. अगर साइज डिक्रीज हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज ही होगा ना? बताइए अभिनव सक्षम। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुआ। इट मींस जेड इफेक्टिव जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। यस। चलिए सी पार्ट देखते हैं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि ये ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा फुल फील्ड स्टेबल होता है। और उसके बाद कौन सा फील्ड स्टेबल होता है? हाफ फील्ड स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड की बात करें तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, और स्टेबल कॉन्फिगरेशन होने के वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो ग्रेटर होता है। होगा, बताइए। यस सर। हाफ फील्ड और फुल फील्ड का मतलब क्या होता है? स्टेबल कॉन्फिगरेशन, और जहां स्टेबल कॉन्फिगरेशन उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। यस सर। अगर मैं यहीं पे कंपेयर कर दूं आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो इनमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा बताइए जरा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा? आप लोगों को ये चीजें पता है पीरियोडिक टेबल में, कि लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस सर। तो इसमें बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होना, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, वेरी गुड। और सक्षम, सक्षम जी सर, ज्यादा किसका होगा आयोनाइजेशन एनर्जी? अरे बोलिए कुछ तो आ रहा होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4। आपको पता है ना कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ये चीज पता है कि नहीं? सबसे ज्यादा स्टेबल फुल फील्ड होता है, उसके बाद हाफ फील्ड होता है कि नहीं अभिनव? यस सर। अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसके तरफ से, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या टफ है? सर टफ होगा। टफ होगा तो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? नाइट्रोजन। तो वही चीज यहाँ लिखा हूँ, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, जिसके वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसके वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब डी वाला देखते हैं, डी फैक्टर। डी फैक्टर जो होता है वो पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट बहुत आसान है ये, पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। पेनेट्रेशन का मतलब यही हो गया, क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। मतलब ये है कि आपके पास पेनेट्रेशन इफेक्ट की जब बात होती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है ना, क्लास 11th में पढ़ा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। Yes, sir. तो वहां पे एस पी डी एफ, इसमें बताइए सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है? अच्छा ये बताइए, एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किसमें से, बता सकते हैं? सर डी आर एफ लार्जर होते हैं तो
ये एक्चुअल में क्या होता है, एस पी डी एफ में पास कौन होगा, न्यूक्लियस के पास कौन होगा, एस होगा, उसके बाद होगा पी, उसके बाद होगा डी, उसके बाद होगा एफ, अगर कहीं एग्जिस्ट करता है एक साथ, तो सबसे पास कौन होगा, एस होगा, होगा कि नहीं भाई? तो इसमें निकालना टफ कहाँ से होगा, एस से निकालना टफ होगा क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अब सबशेल में उसके बाद पी आता है तो पी थोड़ा एस से ज्यादा दूर होगा तो उससे निकालना और आसान है, डी और आसान है, एफ सबसे आसान है कि नहीं? तो पेनेट्रेशन पावर भी इसी के, एफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट इसी के फॉर्म में भी होता है, इसी के ऑर्डर में होता है, तो एस पी डी एफ, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं अभी के अभी आप लोग। सर आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी सेम चीज है? हाँ सेम चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी बहुत पुराने बुक में आप देखेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन चीजें सेम होती है ऑलमोस्ट, ठीक ओके सर। है। इसको आगे बढ़ाऊं? यस चलिए, तो देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो सी और डी वाला है, ठीक है, इट इज वैलिड ओनली अप टू फोर्थ पीरियड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सी एन डी, सी एन डी का मतलब क्या हो गया, ये हाफ फिल्ड फुल फिल्ड की बात कर रहा था मैं, और यहां पे बात कर रहा था एस पी डी एफ, ओनली वैलिड अप टू फोर्थ पीरियड। इसका रीजन पता चलेगा आप लोगों को कि फोर्थ पीरियड तक ही ये वैलिड क्यों है। अप टू वैलिड टू फोर्थ पीरियड का मतलब सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में वैलिड होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। अभिनव सक्षम? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन लिखूं, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सोजेना ज़ेनॉन किसने बोला? स्टेबिलिटी एक तरह से, मैं पूछूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें निकालने में लगेगा, ये बताइए। हीलियम सर, हीलियम। यानी ये स्टेबल ज्यादा, ये होगा एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं, यस क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि ये सबसे न्यूक्लियस के पास होगा, टाइटली पैक्ड होगा, ये पहला शेल, ये रहा दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एस सब चलिए, इसमें काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इसमें देखे तो ये दूर जाते जाएगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दूरी बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, इसमें जाएंगे तो और दूर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, ऐसे ही डिक्रीज करता जाएगा कि नहीं? यस तो ये रीजन होता है। तो चलिए आते हैं बात पे, किस बात पे, तो अपने पास क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैंने सेकंड पीरियड एलिमेंट पूरा उठा लिया, अब मैंने इसको बोल दिया आप लोगों को कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, कर सकते हैं या नहीं, थोड़ा सा देखिए, हो जाए तो बताइए, नहीं हो तो भी बताइए। डिक्रीजिंग में हाँ डिक्रीजिंग में करना है। सर एनी LiBC। एक मिनट, हाँ सबसे ज्यादा किसका होगा? एनी
एनए, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा, एनए का, ये तो अंडरस्टूड है ना। एक तो ये चीज पता होना चाहिए, क्लास इलेवेंथ में आप लोगों ने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है? Yes. देखिए इसका yes. मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत आसान है, सबसे ज्यादा होगा एनी का, इसके बाद किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का। फ्लोरीन। अब डिसाइड करिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा। yes. अब कार्बन और बोरोन में किसका ज्यादा होगा, कार्बन फिर बोरोन। अब बोरोन और बेरिलियम में किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम होगा, इसका ज्यादा होगा बेरिलियम का, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। अब यहाँ पे आपका लग गया पेनेट्रेशन पावर वाला, पेनेट्रेशन पावर वाला लगा कि नहीं? यस। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा टफ है एस में से एज कम्पेयर टू पी, यहाँ से तो निकल जाएगा ना इजिली। यस तो बेरिलियम हो जाएगा, फिर बोरोन होगा, उसके बाद क्या आएगा, लिथियम होगा, होगा कि नहीं? Yes, अब देखिए yes, इसका ट्रिक कैसे याद रखिए, ठीक है, ये बताइए इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा 8 8 होता है, 8th ग्रुप का होता है, ठीक है, ये किस ग्रुप का होता है, 7, ठीक है, ये कैसे 6, मतलब 16th ग्रुप होता है, लेकिन 16 6a 7a 8a लिखते हैं कि नहीं, जितना इसके आउटर मोस्ट yes. में इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या लिखते हैं 5, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, इसको क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, और उसके बाद इसको क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, लिख सकते हैं। अब आपने किया कैसे है, 8 वाले को पहले लिया है, ठीक है, फिर कितने वाले को लिया है, 7 वाले को लिया आपने, फिर 5 वाले को लिया है, फिर आपने किसको लिया है, 6 वाले को लिया, फिर आपने 4 वाले को लिया है, फिर आपने 2 वाले को लिया है, फिर आपने 3 वाले को लिया है, इसी को लिया है ना, 3 वाले को पहले लिया है या 2 वाले को, ये बेरिलियम कितना है, बेरिलियम, बेरिलियम 2, 2 के बाद आपने 3 वाले को लिया है, उसके बाद 1 वाले को लिया है, यही लिया है ना आप, यही है आपका ट्रिक। अब ये कहीं से भी कुछ भी पूछता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे, यही लगाना है, ठीक है, कैसे लगाना है भाई, ये वाला आपको समझ में आ गया कैसे हुआ, यहाँ पे ये फुल फील्ड था, ठीक है, ये 7th वाला लिया, इन दोनों के बीच में ये आपका हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और इन दोनों के बीच में पेनेट्रेशन वाला लग जाएगा, ठीक है, बाकी जैसा है वैसे ही कर दिया हमने, क्लियर है? Yes. अब देखिए जस्ट सपोज अपने को दे दिया सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करने को दे दिया, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, सेकंड पीरियड एलिमेंट का, सेकंड पीरियड एलिमेंट का, सेकंड पीरियड एलिमेंट का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो यहाँ पे क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही है ना, ठीक है, अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात किया है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं अभी, नो यस, ये ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं कि नहीं, सब ये बात आप लोग मानते हैं? यस सर। अब जरा अब देखिए जरा इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए कि नहीं, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये पूरा फुलफिल्ड हो गया, तो 8 ले सकते हैं? यस सर, पूरा फुलफिल्ड हो गया ना, लिथियम 1s2 2s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, 1s1 हो गया, 0 ग्रुप का हो गया, 18th ग्रुप का हो गया, तो 8 ले सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब अपने पास ट्रिक क्या था, अपने पास ट्रिक क्या था, अपने पास ट्रिक क्या था, 8 7 5 6, क्या था, 8 7 5 6, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया अपने पास, 4 2 3 1, क्या आ गया, 4 3 2 1, 4 2 3 1 है ना, बताइए? यस सर, 4 2 3 1, 4 2 3 1, अब बस सजा दीजिए, सजा दीजिए आप, 8 वाला ये है तो लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसके बाद 7 पे जाइए, एन ई प्लस का सबसे ज्यादा, उसका उसके बाद 5 पे आइए, ओ प्लस का ज्यादा होगा, उसके बाद 6 पे आइए, 6 पे क्या है, एफ प्लस है, एफ प्लस लगा देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4, 4 पे क्या है, एन प्लस है, एन प्लस लगा दिया हमने, 2 पे चले जाइए, 2 पे क्या है, बी प्लस है, बी प्लस को देख लेंगे हम लोग, ठीक है, 3 पे क्या है, 3 पे अपने पास सी प्लस है, तो हमने सी प्लस लगा दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1, 1 पे क्या है आपका, बेरिलियम प्लस है, तो बी प्लस कर देंगे, तो क्या ये
ट्रिक समझ में आया? ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, कभी भी आपको लगाने को देता है, आप लोग एक अगर ध्यान में रखे हैं तो दूसरा इजिली हो जाएगा। और ये लिखने का तरीका ये है कि इसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना बचा, ठीक है, इसमें 7 बचा था 7 डाल दिया, इसमें 6 बचा था 6 डाल दिया, कहीं ना कहीं फुलफिल्ड हो ही गया, हो गया कि नहीं? जी सर। चलिए, पिछले स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, पिछले स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने सक्षम सर, वो पीछे प्लीज। आप लोग सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी मैंने निकाल दिया है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ट्राई करिएगा इसी ट्रिक पे, बहुत आसान है। अभी हमें इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बाकी जो H2SO4 H2S2O7 इन सब का स्ट्रक्चर जो भी आएगा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो उसमें बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस रिविजन करके आइएगा अभिनव और आप सक्षम दोनों लोग। ओके सर, ओके हो गया। पीछे ये वाले भी लिख लिया आप लोगों ने? यस। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू।